रुकन सिंह असेंबली कामरान अख्तर ने कहा है कि आवाम की खिदमत हक परस अवामी नुमाइंदों की अव्वलीन तरजीह है। बल्दिया टाउन में जारी सफाई मुहिम का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि बल्दिया टाउन के महकमा सैनिटेशन ने ईद उल अज़हा के अयाम में अनथक मेहनत की, जिसकी बदौलत बल्दिया सफाई सुथराई के लिहाज से सर फहरिस्त रहा। तमाम अफसरान और सैनिटेशन स्टाफ मुबारकबाद का मुस्तहिक है। उनका कहना था कि बल्दिया टाउन की आवाम की हर मुश्किल मदद में उनके लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब और जबान खिदमत अपना फर्ज समझ कर अदा कर रहे हैं। उन्होंने अफसरान पर जोर देते हुए कहा कि सफाई के कामों को पाबंदी के साथ जारी रखा जाए। अराकीन कौमी सूबाई असम्बली सलमान मुजाहिद और कामरान अख्तर ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर आवाम की खिदमत में मसरूफ रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कर्बी इमरान असलम के हमरा 1339 शिकायती मरकज का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि हक परस अवामी नुमाइंदे आवाम को किसी भी सतह पर तनहा नहीं छोड़ते हैं। उनका कहना था कि जिस मेहनत और लगन से इन तमाम अफसरान और अमले ने काम किया वो काबिले सताइश है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये अफसरान बल्दिया टाउन की आवाम की इसी तरह खिदमत करते रहेंगे। बल्दिया टाउन में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम पर जिला कर्बी के एडमिनिस्ट्रेटर इमरान असलम और उनकी पूरी टीम को शाबाश दी। बल्दिया कर्बी के हवाले से ही मजीद बात करेंगे। ईद उल अज़हा के मौके पर बल्दिया कर्बी में किस तरह के इंतजाम देखने में आए हैं, इसी पर कुछ मजीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया है रुकन सिंध असेंबली कामरान अख्तर से। कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया मेट्रो वन न्यूज से बात करने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि बल्दिया कर्बी में ईद उल अज़हा के मौके पर किस तरह के इंतजाम किए गए थे और कितनी कामयाबी हासिल हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट डे जो ईद उल अज़हा के पहले रोज ही जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन भी इससे जो है वो पहले एक प्लान जो है वो तरतीब दिया गया, इसके बाद में उस पर इम्प्लीमेंट किया गया और डेली की बुनियाद पर और वक्तन फवक्तन रोजाना जो है वो राबते में रहा गया, खुद इसको मॉनिटर किया गया। क्योंकि कायद एक मोहतरम अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत थी हमें कि बिल्कुल शहर को जो है वो साफ सुथरा रखना है। इस हवाले से मैं शाबाश और जो सैनिटरी वर्कर्स थे जो इस सारी सफाई सुथराई के अमल में जो ग्राउंड पर थे, जिन लोगों की मेहनत और कोशिशों की बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर में कोई इस तरह की कोई मेजर कोई प्रॉब्लम कोई जो है वो खराबी देखने में नहीं आई, तो ये असल इसके मुस्तैक और असल जो इसके मुस्तैक हैं वो सैनिटरी वर्कर्स हैं। तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ आपके चैनल के तवस्सुल से। और सेकंड ये कि जो इंतजामिया के लोग थे एडमिनिस्ट्रेटर वेस्ट और दीगर जो DTO और जो टाउन की सतह के जो इनके फोकस पर्सन हैं उनसे रबते में रहा गया, और उनकी भी इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की और इसमें कोई जो है वो कवाद नहीं महसूस करूंगा ये कहने में। बिल्कुल उनका उनका उनको उनका राइट बनता है कि उनको उनको भी जो है वो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। उनकी भी भरपूर काबिशें रही, कोशिशें रही उनकी, और जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बल्दिया टाउन ऑल ओवर बल्दिया टाउन जो है वो सूरत हाल जो है वो तसल्ली बख्श रही। उसके बाद में पूरी तौर पर आलाइश को रिमूव करने के बाद में वहां पर चूने का छिड़काव किया जाता था और रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर जो है वो स्प्रे किया गया। आज भी स्प्रे का जो है वो उसको यकीनी बनाया गया कि हर गली की सतह पर जो है वो स्प्रे को यकीनी बनाया गया ताकि जो ताफुन और बदबू के का जो माहौल पैदा हो जाता है आलाइशों के बाद में और खून की वजह से, तो उससे जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सके और आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना उठाना पड़े।